हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनावी बयार बह रही है और इसी बीच एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई जब अनुराग ठाकुर एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जा ही रहे थे कि उनकी गाड़ियों को वहां पर कुछ पहले से मौजूद महिलाओं ने रोका, उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। इससे पता लगता है कि लोकतंत्र में नेताओं पर जो विश्वास है वो जनता का कितना है और कहीं ना कहीं इस तरह की चाहत, इस तरह की ख्वाहिश हर एक नेता की होती है, लेकिन अगर जिस नेता के साथ ये सकारात्मक पहलू जुड़ जाए वो नेता कहीं ना कहीं अंदर से गदगद होता है। एक पहलू इसका ये भी है जहां पर प्रदेश में चुनावी बयार बह रही है, इसी बीच ये तस्वीर लोकतंत्र में मैं यहीं से खींच देता हूँ, दे दो, मेरे पास दे दो। मैं अटेंड भी कर रहा ना प्रोग्राम में, फिर डरा दे तो डरा दे भी है कैमरा। नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लगातार हिमाचल प्रदेश की चुनावी हवा को, चुनावी नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नितिन धीमान, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में जब किसी नेता को रोककर लोग सेल्फी खिंचवाए, कहीं ना कहीं नेता का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास तो बढ़ता ही है। देखिए यश, ये तस्वीर अगर हम कहें कि हर जगह ही अनुराग ठाकुर के साथ हमें नजर आ रही है जी। हम भी उस वक्त वहीं थे तो जब खेव गांव है वहां से जब अनुराग ठाकुर जा रहे थे दूसरी जगह रैली करने के लिए, तो बीच में करीब 10-15 जगह पर लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची। ये जो वीडियो है ये खेव गांव के आगे का है जहां पर महिलाएं पहुंची, खुद अनुराग ठाकुर उतरे, सेल्फी ली और ये जगह पर खुद लोगों के मोबाइल लेकर के उन्होंने सेल्फियां खिंचवाई। तो एक क्रेज उनका पूरी तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि विधानसभा जरूर सुजानपुर है और ये कर्नल रणवीर सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो संसदीय हलका है वो ये अनुराग ठाकुर का ही, और यहाँ पर उनका अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। और यही है और की छोटी छोटी जनसभाओं में काफी लोग उमड़ रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो रास्ते में कई लोग सेल्फियां लेने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े होते नजर आते हैं। ऐसा बहुत कम नेताओं के लिए इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। और अनुराग ठाकुर भी आगे बढ़ करके जिस तरह से वीडियो में औरतें भी घास लाने जा रही थी और वो उन्होंने हाथ दिया, अनुराग ठाकुर रुके और पैरों के पहाड़ी में बात हुई और बात होने के बाद उनका सेल्फी भी, इस तरह की कई तस्वीरें। इसके आगे हमने एक और तस्वीरें देखी थी, एक बुजुर्ग औरत जो अनुराग ठाकुर से मिलना चाहती थी और सड़क के किनारे खड़ी थी, तब अनुराग ठाकुर ने खुद गाड़ी रुकवाई और उनके पास जाकर के उनके एक और साथ में खड़े उनके मोबाइल पर सेल्फी खींची। तो तमाम इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और लोगों का प्यार उनको पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नितिन, इसलिए हमने शुरुआत में ये कहा कि इस तरह की चाहत, इस तरह की ख्वाहिश हर नेता की होती है कि उनको लोग रोककर उनके साथ सेल्फी खिंचवाएं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है जहां पर नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्रेज बढ़ता है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्यार मिल रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल नितिन, आप ये भी बताएं कि आगे का अब स्केड्यूल क्या रहने वाला है, जनसभाओं को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए शाम तक जनसभाएं, छोटी छोटी जनसभाएं आज सुजानपुर में अनुराग ठाकुर करेंगे, अभी दो जनसभाएं हो गई हैं, तीसरी को संबोधित कर रहे हैं जी। और जिस तरह से आपने बात कही कि हर नेता ऐसा चाहता है, तो वही नेता को ये सब चीजें मिलती हैं जो जमीन से जुड़ा रहता है। अनुराग ठाकुर भले ही आज सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों, दिल्ली में होते हैं तो उनकी एक अलग पैठ है, पहचान है, लेकिन यहाँ पर आकर के वो एक स्थानीय नेता के तौर पर लोगों से मिलते हैं, उनसे उठना बैठना है। और यही चीज देखिए यहाँ के लोगों ने भी उनको इस तरह से नहीं देखा कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रसारण मंत्री हैं,
उनको एक अपने जो बीच का एक नेता है उसकी तरह देखा, सबसे उनके पहाड़ी डायलेक्ट में बात करते हुए नजर आए, और इसी के मद्देनजर वो लगातार छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। कल भी प्रतापपुर जो देहरा है वहां पर उन्होंने जनसभाएं की, छोटी छोटी जनसभाएं की, ग्रेट में जो पंजाब बॉर्डर पे लगता है ऊना में, वहां पर छोटी बच्ची की तारीफ करते हुए नजर आए, वहां भी छोटी जनसभाएं। तो एक तबके से जुड़ने की साथ जो नेता होता है जमीन से जुड़ा होता है, बजाय एक बड़ी रैली करने के आप लोगों के घरों तक जाते हो। अभी भी एक जनसभा मेरे साथ ही हो रही है, वहां पर एक लोगों के घर में वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक लोगों का प्यार है और एक नेता को यही व्यक्तित्व बड़ा बनाता है। आज शाम तक हमीरपुर में जनसभाएं अनुराग ठाकुर करेंगे। जी नितिन, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और इस चुनावी हवा को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सियासी हवा में किसका कितना कड़ा मुकाबला है? देखिए, कड़ा मुकाबला इस वक्त अगर हम बात करें हिमाचल में तो बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। आम आदमी पार्टी भी जरूर टक्कर में है, हालांकि जो जिस तरह से उन्होंने पहले पॉलिटिकल प्रेशर बना था, एक सबने रैलियां की थी, उसके बाद से बीच में करीब एक डेढ़ महीना केंद्र का ना तो अरविंद केजरीवाल ना भगवंत मान नजर आए। अब सोलन में जरूर अरविंद केजरीवाल की रैली हो रही है, थोड़ी देर मनीष सिसोदिया भी आएंगे, लेकिन अब टक्कर जो है जो लोगों से बात करके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर बीजेपी अगर बात करें तो रात को अमित शाह की एक बैठक हुई थी शिमला में, जिसमें जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाना है उसके ऊपर पूरा विचार मंथन किया गया कि उसमें क्या चीज रखनी है। और इसी प्रचार के मद्देनजर छोटे छोटे जो सभाएं हैं, सीएम योगी जो है इस वक्त हमीरपुर की एक जगह है सरका घाट के पास, वहां पर रैली कर रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा कल एक छोटी छोटी सभाएं डोर टू डोर करेंगे त्रिलोक धम्बाल के लिए, और वहीं कई और बड़े केंद्रीय मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर अनुराग ठाकुर भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी सचिन पायलट कल हमीरपुर आए थे, सभाएं की थी, और लेकिन बीजेपी अगर बात करें तो उनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि बूथ को सशक्त करना है। बूथ अगर देखें तो एक गांव का अगर छोटा सा बूथ पे एक बूथ इन्होंने अपना एक बूथ का इंचार्ज बनाया होता है, वहां लेवल तक जाकर के पार्टी प्रसार करती है। पंच परमेश्वर सम्मेलन किया जाता है जो कि एक बूथ है, वहां पर पांच लोग बनाए जाते हैं जिनका सम्मेलन होता है। तो इस तरह की चीजें की जाती है ग्राउंड लेवल पर जुड़े, और इसी ग्राउंड पर जुड़ने के लिए लगातार अनुराग ठाकुर का भी हम देख रहे हैं कि सभाएं और अन्य नेताओं की सभाएं हमीरपुर, सुजानपुर, अन्य जगह पर हो रही हैं। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से हम आपको एक तस्वीर दिखा दें तो MH1 प्राइम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। हमारे संवाददाता नितिन धीमान लगातार इस सियासी हवा की नब्ज को टटोलने का न केवल प्रयास कर रहे हैं बल्कि हर एक बारीक से बारीक जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में।